नमस्कार एमपी न्यूज कास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलम दुबे। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। मुहर्रम इस्लाम के चार महीनों में से एक है। मुहर्रम पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम के शोक का महीना माना जाता है। इस दिन शिया समुदाय के लोग मातम मनाते हैं और सुन्नी ताजिया पुरसी करते हैं। आप लोगों को बताते चले कि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश थे कि कोई भी मुहर्रम जुलूस में धारदार हथियारों का प्रदर्शन नहीं करेंगे, तो फिर हर जिले में राजस्व विभाग और पुलिस विभाग आदेश को अमल करते हुए धारदार हथियारों पर रोक लगाए। बताते चले कि फतेहपुर जनपद में इस आदेश को मुस्लिम समुदाय के लोग नई परंपरा बताते हुए पहले जैसे ही तलवार बर्छी छप्पन छुरी बल्लम चाकू से खेलने के लिए उतावले थे, लेकिन प्रशासन ने कहा आप लोगों को लकड़ी कोड़ा से खेल ले। इस तरह से फतेहपुर जिले में आपस के दो गुटों में झगड़ा हुआ तो खागा कस्बे के चौक पर 9 बजे तक कोई खेल नहीं हुआ। मौके पर खागा उप जिलाधिकारी के साथ राजस्व टीम और खागा पुलिस क्षेत्राधिकारी खागा कोतवाली प्रभारी के साथ साथ पुलिस टीम चारों ओर निगाह में सभी लोगों को रखा और जब 9 बजे के बाद मुख्यालय से एडिशनल एसपी मुख्य विकास अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरी जानकारी ली, तब दोनों अखाड़े के मुखिया मोहम्मद नजर रायन उर्फ पुच्ची पहलवान और नशी अहमद उर्फ मुन्ना फारूकी कलीमुल्ला ने अधिकारियों से बात कर निर्णय हुआ कि केवल लकड़ी कोड़ा खेल ले। इस तरह से देर रात मुहर्रम का जश्न मनाया और दान करने वाले लोगों ने लंगर लगाया, बिरयानी बिस्कुट शरबत ठंडा वितरण किया और हिंदू समाज के लोगों ने भी भाईचारा निभाया। मुहर्रम के 10वें दिन ताजिया निकालकर जश्न मनाया और देर रात कर्बला में दफन किया। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। Yeah.
भैया बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ। अपना जगह पर तो